दोस्तों कामुनी फैशन में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, हमने जो है आपको यहाँ पे इसकी जो खजूरी पैंट है उसकी हमने आपको कटिंग बताई। अगर आप इसका वीडियो देखना चाहते हैं कटिंग का, तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां से आपको इसकी लिंक मिलेगी और वहां से आप इस वीडियो को देखेंगे। देखिए कई ऐसे वीडियो जो है हमने आपको बनाए हैं आपके लिए, कई ऐसे प्रकार जो है सलवार के जो हमने आपको स्टेप बाय स्टेप करके डाला हुआ है, और हमने जो है ये पूरा ड्रेस का कोर्स आपको यहाँ पे कंप्लीट करते हुए आ चुके हैं। आज जो है तो हम यहाँ पे आपको समझाने वाले हैं, जो हमने खजूरी पैंट कटिंग की तो उसके दोनों भी घेर हमने अलग अलग कटिंग की है। देखिए ये पतला होता है, नेट होता है, इसे हमें लाइनिंग लगाना बहुत जरूरी है। अगर हम इसे लाइनिंग नहीं लगाएंगे तो ये ट्रांसपेरेंट होगा, इसलिए हम जो है इसे लाइनिंग लगा रहे हैं। और आप जो है तो इसे हमें स्टिच कैसे करना होता है ये भी आज हम आपको इसमें सिखाने वाले। देखिए आपको सिर्फ कटिंग आना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता है, आपको उसी के साथ में स्टिचिंग कैसे करते हैं ये भी समझ में आना बहुत जरूरी है, इसलिए हम जो है सभी वीडियो आपको कटिंग के साथ स्टिचिंग बताया। देखिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना है चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करना है। देखिए आज हम आपको सिंपली जाते हैं मशीन के ऊपर और आपको स्टिचिंग करके दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों, मशीन पे जाने के पहले मैं तो आपको अच्छे से यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। देखिए ये मेरे ज्वाइंट है, देखिए ये मेरे ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट मुझे यहाँ पे लगाने, मुझे क्या करना है इसका घेर बढ़ाना है। घेर यानी मैं ज्यादा घेर लूंगा तब यहाँ पे मेरी चून ज्यादा आ जाएगी। तो मैं घेर कैसे ज्वाइन करूंगा, देखिए ये मेरी चार कली है, देख सकते हैं आप यहाँ पे चार पैनल है ये, और इसकी ये चार कली है। आप जो है इसमें से मुझे कोई भी एक पार्ट उठाना है और इसे जो है यहाँ पे इसे ज्वाइन कर लेना है। देखिए इसमें उल्टा सीधा कोई भी नहीं है क्योंकि दोनों साइड से ये सिम दिखाई देता है, इसलिए मुझे यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर आपके पास इस तरह से फैब्रिक है तो आप चौक का मार्किंग करके रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा उल्टा सीधा। तो देखिए पहला इसको ज्वाइन करेंगे, दूसरा इसको करेंगे, तीसरा इसको और चौथा इसको, तो अब हम यहाँ पे ज्वाइन करके इसे ले लेंगे। देखिए इस कली को हम यहाँ पे ज्वाइन करके ले रहे हैं। देखिए स्ट्रेचेबल कपड़ा है इसलिए हमें इसे बैक से हाथ रखना होता है और इसे नॉर्मल इस तरह से खींचते हुए हम ये कली ज्वाइन करके आपको दिखा देंगे। इसी तरह से जो है हमारे चारों कली जो है यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगी। यहाँ पे जो है हमें हर एक कली जो होती है तो इसे ज्वाइन कर लेना है, और फिर उसके बाद में जो है तो हम आपको यहाँ पे कैसे लाइनिंग ज्वाइन किया जाता है ये भी आपको इसके अंदर हम बताने वाले हैं। इस तरह से हमारे चारों भी कली जो है यहाँ पे ज्वाइन हो चुकी है। तो देखिए आपको सबको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे हमने इस कली को जो ज्वाइन किया, ऐसे हमने चारों कली ज्वाइन किया। आप देखिए यहाँ पे जो है तो हमारी मैनी का माप होगा, देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारी मैनी है तो, और ये लाइनिंग की मैनी, क्या कर रहा है हमें इन दोनों को यहाँ पे कर लेना है ज्वाइन, ताकि ये जो है कहीं पे भी हिलेगा नहीं, ये इसको आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते, इसको यहाँ पे सिलाई लगा देते हैं। देखिए यहाँ पे हमने इसे अटैच कर दिया, अब हमें क्या करना है, एक साइड ज्वाइन हो गया तो अब हमें दूसरे साइड में भी यहाँ पे ज्वाइन कर लेना है इसे। देखिए अब जो है हम दूसरे साइड में आ जाएंगे, देख सकते हो बीच में जो है काफी गैप मिल रहा है आपको, तो ये किसके लिए होगा, हम जो चुनी देने वाले हैं उसके लिए ये गैप जो है होता है। अब जो है तो पहली हमने मैनी उधर से ज्वाइन की, अब ये दूसरी मैनी हम इधर से ज्वाइन करके आपको दिखा देते हैं। क्या करना होता है कि सबसे पहले हमें मैनी के पास आके मैनी ज्वाइन कर लेना है, उसके बाद में जो है तो हम करेंगे बॉटम ज्वाइन। देखो दोनों हमने मैनी ज्वाइन करने के बाद ये बॉटम है और ये हमारा बॉटम है, इन दोनों को क्या करना है आपको सिर्फ यहाँ पे ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करना यानी क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे सिलाई लगानी है, फिर उसके बाद में जो है तो हम बॉटम बनाएंगे। पहले तो हम क्या करेंगे इसे यहाँ पे इस तरह से अटैच कर लेंगे। अब देखिए हमने यहाँ पे बॉटम ज्वाइन किया, अब हमें क्या करना है यहाँ पे आ जाना है और यहां से इसे जो है यहां तक, पहले ध्यान दीजिए हमारा जो बॉटम फोल्ड होता है वहां तक हम जो है इसे सीधी सिलाई लगाएंगे। अब इसके बाद में क्या करना है हमें, यहाँ पे इसे ऊपर की ओर, देखिए इसका मुंह जो है तो हम ऊपर की ओर लेंगे और यहाँ पे देंगे इसे चुन, चुन देंगे हम आधा से एक इंच के गैप में यानी यहां से यहाँ पे, ताकि हमारी सिलाई मार्जिन जो वहां से हम वहां से इसे सिलाई देंगे। तो ऐसी सिलाई जो है आपको इसे चून करते हुए चले जाना है। ये किस लिए चून करना है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक होता है उसका हमें चून बनाना होती है। तो ऐसी चून जो है हम आपको पूरे रेडी करके मैंने तक दिखा देते हैं।
आपको ये चून डालने में थोड़ा सा जो है दिक्कत हो सकता है, तो आपको चून डालते हुए जाना है। जितनी ज्यादा चून आएगी उतनी खजूरी पैंट जो हो वो अच्छी दिखाई देती है। देखिए मेन बात तो होती है हमारे बॉटम तक जो है तो अच्छी चून आनी चाहिए, क्योंकि ऊपर जो है तो हमारा टॉप आता है तो टॉप की वजह से वो ढक जाता है, लेकिन नीचे जो है हमारी चुनी अच्छा से यहाँ पे दिखनी चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। और उसी को लेते हुए आपको काम करते हुए आगे आगे चले जाना है। देखिए हम आपको पूरी चून लगा के यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो ये जो है आपको जितना ज्यादा है उतना एडजस्ट कर लेना है आपके यहाँ पे। तो देखिए ये हो गया पूरी तरह से यहाँ पे एडजस्ट। अब ऊपर के साइड में ये प्लेन भी आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये हो गई हमारी चून। तो हमने पहले साइड को जो है चून लगाए, अब हमें दूसरे साइड को भी यहाँ पे चून लगानी है। और इसी तरह से जो है सभी चून हमें इसके अंदर लगानी होती है। अब जो है तो ये हो गया हमारा यहाँ पे कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, इसे जो है तो बनाना है बॉटम। अब एक पैर जो है हमारा यहाँ पे रेडी आ चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने चून दिए। देखिए चून होने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे बनाना है हमारा बॉटम। जैसे हम सलवार का बॉटम बनाते हैं वैसे ही सेम आपको यहाँ पे बॉटम बनाना है। अगर आपको सलवार की कटिंग देखना है, चूड़ीदार की कटिंग देखना है, पटियाला की कटिंग देखना है, तो हमने जो है हर एक वीडियो इसके ऊपर अपलोड किया हुआ है जो है आपको चैनल पे मिल जाएगा, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये फोल्ड किया, अब हमें क्या करना है ऊपर के साइड में आना है। ऊपर के साइड में आने के बाद हम इसे पलटी करेंगे और सबसे पहले हम इस साइड से इसे सिलाई लगाएंगे। देखिए सबसे पहले हम इस साइड से सिलाई लगा रहे हैं। और ये जो है तो आपकी सिलाई कभी भी प्लेन आना बहुत जरूरी है, ये आपको ध्यान में रखना है। नहीं तो क्या हो जाता है कि यहाँ पे सभी हमारे रिंकल दिखाई देते हैं, वो रिंकल्स नहीं दिखना चाहिए। और फिनिशिंग आपकी अच्छी होनी बहुत जरूरी है। अब इसके अंदर हम 6 सिलाई लगाएंगे और वो भी स्ट्रेट वाली सिलाई लगाएंगे। देखिए ये हमारी हो गई 2, उसके बाद में हम इसके बाजू में 1 लगाएंगे, ये हो गई 3, फिर से हम इसके बाजू में 1 सिलाई लगाएंगे, ये हो गए 4, और एक हम इसके बीच में सिलाई लगाएंगे, ये हो गया 5, और यहां पे सबसे लास्ट में 1 होगी हमारी, ये 6। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर 6 सिलाई लगाई। अब हम दूसरा भी पैर आपको पूरी तरह से रेडी करके दिखाएंगे। देखिए आपको क्या करना है, इसे पूरे राउंड में जो है तो लगानी है चून। तो ये हमारा दूसरा भी पैर जो है रेडी हो जाएगा। उसके बाद में हम जो है इसे मैनी ज्वाइन करके आपको दिखा देंगे। और उसके बाद में सबसे पहले आपको जो है तो नेफा तैयार करके ले लेना है। देखिए हमने बॉटम बनाने के बाद ये दोनों भी हमने पैर को चून लगा दी है। अब हमें क्या करना है, मैनी ज्वाइन करना है। देखिए ये मैनी और ये मैनी, हम इन दोनों को यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। और इसको ज्वाइन करने के बाद जो है तो हमें नेफा तैयार करना है, क्योंकि हमें जो है प्लेट देने से पहले हमारा नेफा कितना रेडी हो गया है इसे देखना है, और फिर उसके हिसाब से जो है तो हमें लगानी होती है इसे चून। तो देखिए ये मैनी भी यहाँ पे ज्वाइन हम कर लेते हैं और अभी नेफा आपको ज्वाइन करके दिखा देंगे। ऐसे ही आपको दूसरी साइड भी ज्वाइन करना है।
देखिए मैंने ज्वाइन होने के बाद हमें लेना है नेफा। नेफे का जो है हमने इसका ज्वाइन निकाला था, ये लाइनिंग है और मेन फैब्रिक जो है तो ये है हमारा। सबसे पहले हम इस लाइनिंग को जो है यहाँ पे ज्वाइन दे देते हैं। ये हो गए दोनों भी साइड हमारी ज्वाइन। अब जो है तो हमें क्या करना है, ये मेन फैब्रिक है इसके ऊपर इसे रखना है और इसे हमें चारों तरफ से लगानी है सिलाई। तो आप क्या करेंगे, हम चारों तरफ से इसे सिलाई करके आपको रेडी दिखा देंगे। अब देखिए यहां पे हमने इस नेफे को लाइनिंग ज्वाइन करने के बाद हमें क्या करना है, यहां पे जो है इसे नाड़ी फोल्ड के लिए जगह रखना है। देखिए सबसे पहले हम यहां तक इसे सिलाई लगाएंगे और यहां से उठा के हम इसे एक इंच आगे रखेंगे, देखिए, और ये हमारी कंटिन्यू आगे तक सिलाई चली जाएगी। अब जो है तो हमें क्या करना है, इसे देखना है कि यहां तक ये हमारा रेडी कितना हो चुका है। देख सकते हैं अभी यहां से यहां तक, तो देखिए ये 17 इंच जो है हमारा, तो यहाँ पे ये हमने 17 इंच का तैयार किया है। अब हमें क्या करना है, जो नाड़ी फोल्ड का जो भाग है हमें इसे क्या करना है, यहाँ पे फोल्ड कर लेना है। इसके बाद में जो है तो हम जो है मेन फैब्रिक जो होगा यानी हमारा घेर, उसको जो है प्लेट देंगे। पहले हम इसे बना लेते हैं। और यहां पे हमें इसे नाड़ी फोल्ड बना लेना है। इतना जो है हमारा नाड़ी फोल्ड होगा और बाद में जो है ये नेफा आपको रेडी मिलेगा। अब देखिए ये हमारा नेफा रेडी हो चुका है। अब हमें क्या करना है, यहां पे आना है मेन फैब्रिक पर। आप देखिए यहां पे हमने इस आसन को भी ज्वाइन किया है यानी मैंने हम जिसे गए थे। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जो है अंदर वाली जो लाइनिंग है उसको हमें प्लेट लगाना है और इसे हमें रेडी करना है 17 इंच। तो अब मैं जो हूं इसे प्लेट जो है यहां पे इस तरह से देते हुए चले जाऊंगा। अगर आपने पूरे राउंड में भी प्लेट दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको इसे कुछ भी करके यहां पे 17 इंच रेडी करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आप जो है मैं इसे प्लेट देते हुए आपको यहां पे गिनती दिखाऊंगा कि ये मेरा पार्ट रेडी कितना आ चुका है। अब देखिए यहां पे हमने प्लेट लगाई। अब ये जो सेंटर होगा यहां से आप इसे गिनते हुए चले जाते हैं। ये हमारा कुछ भी करके देखिए यहाँ पे हमारे ये 17 इंच आ रहा है ये सेंटर, तो आधा ये भी हमारा बाकी, तो इसे भी हमें 17 तैयार करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आप मैं क्या करूंगा, यहां से इसे प्लेट लगाने के लिए चला जा रहा हूं और इसे भी मुझे क्या करना है, 17 इंच तैयार करना है यानी 17 34 इंच हमारा ये राउंड तैयार हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। पहले तो हमने अंदर वाले को जो है प्लेट दे रहे है और उसके बाद में जो है तो हम ऊपर वाले को प्लेट देंगे। तो देखिए हमने इसे भी जो है यहाँ पे जो है प्लेट लगा दी। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये 17 इंच रेडी है। देखिए आधा 17 और आधा 17 यानी 17 दूनी 34 हमारा ये रेडी हो चुका है। अब हमें क्या करना है, जो अंदर हमने यहाँ पे मेन फैब्रिक लिया हुआ है इसे अब हमें प्लेट लगाना स्टार्ट करना है। अब देखिये हम क्या कर रहे हैं, इसे यहाँ पे इस साइड में लगा रहे इसे प्लेट। देखिए आपको क्या करना है, इसे जो है जैसे हमने पटियाला के लिए प्लेट दिया था वैसे आपको यहाँ पे प्लेट लगाते हुए जाना है। अब इसकी प्लेट जो है पूरे राउंड में भी आ गई तो भी चलेगी, कोई आपको आधे में एडजस्ट नहीं करना है, जहां तक चले जाएगी वहां तक आप इसे लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे कोई रिंकल यानी राउंड नहीं दिखने वाला, यहाँ पे जो है अपने आप यहाँ पे राउंड दिखाई देगा। किसके वजह से, जो हमने जो साइड में चून डाली है उसके वजह से। अब जो है तो आपको क्या करना है, इसे रेडी करते हुए चले जाना और इतने साइज में इसे आपको एडजस्ट कर लेना है, जितनी हमने ये 17 की साइज बनाई उतनी, क्योंकि इसका जो है घेर काफी बड़ा है तो उस बड़े घेर होने की वजह से इसकी प्लेट भी जो है तो ज्यादा आएगी। यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो है इसे पूरे राउंड में तैयार कर लिया। अब जो है तो हम इसको आपको सीधा करके दिखा देते हैं। देखिए ये जो है हमने आपको सीधा करके दिखाया। अब आपको क्या करना है, यहां पे लेना है इसे और बॉटम पकड़ते हुए आपको इसे सिलाई पूरे राउंड में लगा लेनी है।
तो हम आपको ये पूरे राउंड में इसको रेडी करके आपको दिखा देते। सबसे पहले हम थोड़ी देर तक आपको यहाँ पे सिलाई करके दिखा देते। देखिए जो आपने यहाँ पे चुनी दी हुई है इसको आपको अच्छा से यहाँ पे अंदर रखना है और इसके ऊपर लगानी सिलाई। ये राउंड में आपको सिलाई करके ले लेना है। देखिए यहाँ पे हमारा सेंटर है, सेंटर के ऊपर सेंटर आना चाहिए और यहाँ से जैसे हम कम करते हुए गए हैं वैसे हम इधर भी सिलाई लगाते हुए चले जाएंगे। ये जो है तो हमारा इस साइड से यहाँ पे फिटिंग हो गया, यानी हमारा ये राउंड तैयार हो गया है। अब हमें यहाँ पे नेफा ज्वाइन करना है। अब देखिए ये हमारा नेफा है और यहाँ पे ये हम जो है इसे सेंटर रखेंगे और सिर्फ हमें इसे पूरे राउंड में लगानी सिलाई और उसके बाद में ये सलवार हमारी हो जाती है रेडी। यहाँ पे जो है तो हमने इसे पूरे राउंड में लगा दी सिलाई। तो यहाँ पे हमारा ये खजूरी पैंट जो है तैयार हो जाता है। अब हम आपको ये सीधा करके दिखा देंगे।